जल उठी है दिल्ली। जी हाँ, जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने NRC CAA लागू किया है, तब से देश के अंदर विरोध ही पैदा हो रहा है। एक और कॉमरेड पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम तथा अन्य कई पार्टियां इन लागू किए गए प्रावधानों का लगातार विरोध करती आ रही हैं। इसलिए तो दिल्ली के अंदर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के CAA के विरोध में प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया। जगह जगह आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। एक तरह से आग की लपटों में जल चुकी है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुरा तथा भजनपुरा में आग लगाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लोगों पर हमले की घटनाएं भी हो रही हैं। भजनपुरा पेट्रोल पंप को भी आग के हवाले कर दिया गया था। सिख परिवारों के ऊपर ये मुल्लाएं जिस तरीके से दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके से हमला कर रहे हैं, मैं अमित शाह गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि इस भजनपुरा क्षेत्र में जल्दी से जल्दी मिलिट्री को लगाया जाए, क्योंकि पुलिस फोर्सेस पर्याप्त संख्या में नहीं है। दिल्ली को फौज के हवाले करा जाए, वरना ये लोग दिल्ली में जो आतंक फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, दिल्ली के लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज इस लाइव वीडियो के तहत कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, दिल्ली में फौरन मिलिट्री को लगाया जाए ताकि यहां के लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दिल्ली में हो रही आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाओं से भारत सरकार सबक नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उसका मंत्रिमंडल इन घटनाओं को सीरियसली नहीं ले रहा है। दिल्ली की जनता ने ये मांग की है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री भारत सरकार इसमें कड़े कदम उठाए और दिल्ली के अंदर हो रही घटनाएं और देश के अंदर जो इन प्रावधान जो किए गए हैं CAA के विरोध में घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने का प्रयास करें। लोगों ने ये मांग भी रखी है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली को मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है, पुलिस के हाथ भी खाली हैं, पुलिस उसमें कुछ भी नहीं कर पा रही है। लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, पेट्रोल पंपों को जला रहे हैं और कई घरों के अंदर भी आग लगाने का प्रयास किया गया है, पथराव किया गया, घरों के अलमारियों के और खिड़कियों के शीशे तक तोड़ डाले हैं, परंतु पुलिस भी इन पर कंट्रोल करने में फेल साबित हो रही है। दिल्ली की हालात बड़े ही नाजुक बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए ताकि स्थिति पर नियंत्रण हो सके, नहीं तो दिन प्रतिदिन दिल्ली की जनता और भी इन हालातों से परेशान होकर अपनी कठिनाइयों का सामना करने पर आमदा हो जाएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।